बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले ही न्यूज़ कही गई थी कि जवदात ने अकामा जो है, जवदात ने पहले ही इसे क्लियर कर दिया था 6 महीने पहले ही कि हम लोग अकामे की फ़ीस जो है अब पार्ट बाय पार्ट में भी आप पे कर सकते हैं, हम लोग ये भी प्रोग्राम लाने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल शुरू हो गया है और जवदात ने अब ट्वीट करके कहा है कि अब आप अपना अकामा रिन्यूअल जो है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने तक का भी कर सकते हैं। तो बहुत से भाई लोग के इसमें सवाल है, किस तरह पूछे कि भाई इससे फ़ायदा क्या है, ये जो न्यूज़ आई है कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना अकामा रिन्यूअल कर सकते हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हमारा पे तो हम करते नहीं अकामे का, ज़्यादातर आपकी कफ़ीले करते, बहुत कम लोग हैं सऊदी अरब में जो खुद भी अकामे की फ़ीस पे करते हैं, एक का दुक्का है। तो अगर इसका फ़ायदा क्या, इशू क्या, मतलब इसका हमें क्या फ़ायदा है, तो इसके अंदर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह इसे पे कैसे करते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताने वाले। अगर आप अकामा रिन्यू करना चाहते हैं अपना खुद से, फ़ायदा ये है कि अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपको एग्ज़िट जाना है तो आप 3 महीने का अकामा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 6 महीने सऊदी अरब में काम करना है, अपने कफिल को आप बोल देंगे भाई मुझे जाना है 6 महीने बाद एग्ज़िट फाइनल, तो आपका कफिल 6 महीने का अकामा बनाएगा। अगर आप उसे बोलेंगे नहीं मुझे 3 महीने और काम करना है, 3 महीने बाद मुझे जाना है, तो आप 3 महीने का ही अकामा बनेगा। ऐसे क्या होता था पहले, अब लोगों को जाना है 3 महीने बाद, अब अकामा तो 3 महीने का बनेगा नहीं, अकामा तो पूरा साल का बनेगा, अकामा तो पूरा साल का बनेगा। अब पूरे साल का बनने के बाद या तो आपको 9 महीना सऊदी अरब में रुकना पड़ता था या कफिल आपका पैसा काट लेता था 9 महीने का। अपने नया सिस्टम देखते हुए लॉन्च करा और जिससे हमारा और आपका फ़ायदा है, जिसके अंदर बोला गया कि आप आराम से वापस, अब इसमें हम लोग फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए, रेसिडेंटी के लिए, ये बहुत ही अच्छी खबर है मेरे अंदाज से। क्या वो अकामा जिनको नहीं रहना है 3 महीना, 4 महीना सऊदी अरब में काम करना है, 3 महीने का अकामा बनाए, जिनको 6 महीना करना है वो 6 महीना काम करें। बहुत से लोगों को घर जाना होता है, तो अब जाहिर सी बात है घर जाना है तो वापस आना है कि नहीं आना है पता नहीं, तो अकामा क्या, कफिल क्या करेगा, आपको 6 महीने का अकामा रिन्यूअल करके आपको भेजेगा। अगर आना है तो ठीक, नहीं तो 6 महीने का उसका पैसा बच जाएगा। बहुत से आमिल ऐसा भी करते हैं, ज़्यादातर आमिल जो ऐसा करते हैं सऊदी अरब के अंदर जो वर्कर काम करने वाले, उनको आना नहीं है, उनको मालूम है कि हमको आना नहीं है, पर वो क्या करते हैं कफिल को बोलते नहीं है कि हमको आना नहीं है, कफिल परेशान करता है उनको, सोचे किसी तरह जान छोड़ जाकर एग्जिट बोलेंगे तो एग्जिट लगाएगा नहीं, क्या करता है साल का अकामा बनवा के घर चला जाता था। 6 महीने की कफिल ने छुट्टी लगाई, 6 महीने बाद वो आता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कफिल को भी सपोर्टेड है ये, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए अच्छा ये कि अगर हमें एग्जिट जाना है 3 महीने के बाद काम करना है, 3 महीने बाद एग्जिट जाना तो हम 3 ही महीने का अकामा पे कराएंगे, ठीक है। और कफिल लोग के लिए इसमें अच्छी चीज़ यह है कि कफिल अब आपको 6 साल भर का अकामा बना के दे ही करने, आपको घर भेज रहा है, आपको अभी मान लीजिए 2 महीना अकामा बचा है आपकी, अभी वो कह रहा 3 महीने का एक्सटेंड करेगा, 5 महीनों का, 4 महीने छुट्टी लगाएगा, आपको घर भेजना होगा, आप आओ तो आओ, ना आए तो कफिल का पैसा बच गया। जाहिर बात सऊदी अरब में अकामे की पे बहुत ज़्यादा हो गई है, समथिंग 10,000 रियाल, किसी का 12, किसी का और भी कम है। तो इस टाइप से सऊदी अरब के अंदर ये सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए ये महंगाई को देखते हुए, अकामे की फीस को ज़्यादा देखते हुए इसे कम कर दिया। और ये आप, तो आई होप ये वीडियो बहुत ही पसंद होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अकामा रिन्यूअल कैसे करते हैं इंशाल्लाह वो हम बताएंगे बैंक अकाउंट के ज़रिए चल जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हमारे चैनल पर सऊदी अरब के जितने भी मेथड हैं, जितने भी ऑनलाइन मेथड हैं, सब हाई प्रोसीजर हमारे चैनल पर सबमिट की जाती है। तो ज़्यादातर हम न्यूज़ को छोड़ के हम ऑनलाइन प्रोसीजर ही पे काम करते हैं। न्यूज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह आपको मिलेगी, पर ऑनलाइन प्रोसीजर बहुत ही कम जगह, जैसे हम तवक्कलना, सेहती, वैक्सीनेशन और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, बैंकिंग वगैरह, हम इंशाल्लाह सारे इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और मेथड के साथ देखना है तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका हमेशा फ़ायदा होगा। जब भी हम इन्फॉर्मेशन लोड सबमिट करेंगे इंशाल्लाह आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा आप, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शेयर, चैनल को, अगर मन में कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए। कोई बड़ा कन्फ्यूजिंग, कोई बड़ा सवाल तो मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक नीचे देकर रखा है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर आपकी हेल्प की जाएगी। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, अल्लाह हाफिज़।